Hi, I'm Mary Kom. You're watching Expo India. सीमा पर फैले तनाव के बीच पाकिस्तान की ओर से सीजफायर के उल्लंघन के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शनिवार को भी पाकिस्तान ने राजौरी के नौशेरा सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसमें दो भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। इनके अलावा तीन नागरिक घायल भी हुए हैं। भारी फायरिंग के बीच फिलहाल स्थानीय लोगों को वहां से सुरक्षित हटाने का काम भी रोकना पड़ गया। बताया जा रहा है कि शनिवार की सुबह पाकिस्तान की ओर से बिना उकसावे के गोलीबारी की गई। पाकिस्तानी सेना ने भारी संख्या में मोर्टार दागे, जिसका शिकार दो भारतीय नागरिक बने। जानकारी के मुताबिक दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। तीन अन्य घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। भारी फायरिंग को देखते हुए प्रशासन ने LOC के पास नौशेरा, किला दरहल और मंजाकोट में सभी स्कूलों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है। बीते तीन दिनों से पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। शुक्रवार को पाकिस्तान ने जम्मू जिले के अरनिया में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीजफायर तोड़ते हुए फायरिंग की थी। पाकिस्तानी रेंजर्स ने भारतीय सैनिकों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। इसके बाद भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।